तो हमारे सामने दो चित्र हैं, मैंने ए नाम लिखा है और बी नाम लिखा है। यहाँ पे मेरे को पता है कि बोर्ड में भी बहुत सारे निशान हैं, तो प्लीज उसको मत देखिएगा, जो मैंने मार्कर से ड्रॉ कर रखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। सवाल है, क्या एक जैसा है और क्या अलग है? और आप सभी को गणित चर्चा के नियम पता है, आप लोग थम्स अप करके शेयर करेंगे, राइट? तो जब भी आप रेडी हो यू कैन शो थम्स अप। ए है और बी है आपके पास, इसमें क्या एक जैसा है और क्या अलग है? मैं सेम वाली चीजों को यहां लिखूंगी। और मैं जो डिफरेंट है वो यहां लिखूंगी। ठीक है मैम, मैं आपसे शुरू करूं, सेम क्या है मैम? तो आप बोल रहे हो कि आपने मुझे अलग बताया कि इसमें क्या है, इस दोनों में संख्याएं अलग अलग हैं, तो आप मुझे दोनों में संख्याएं बता सकते हैं क्या क्या है वो दोनों में संख्याएं? ए में कौन सी संख्या है? 23 है। और बी में? 32। ठीक है, ये आपको अलग दिख गया। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 23 और 32 है? कैसे कैसे कनेक्ट किया आपने? 10 का फ्रेम देखकर। थोड़ा सा और बता सकते हो मैम? हाँ, दो कितने हैं ऐसे? 10, 2 10 है और कितने एक है? 3 1 से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ 10 और एक के बारे में? 3 10 2 1। ठीक है, थैंक यू। कुछ सेम है क्या मैम? हाँ, तो सेम जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि दोनों में जो डिजिट्स यानी कि जो अंकों का इस्तेमाल करा है वो क्या है, 2 और 3 का ही हमने इस्तेमाल किया है। लेकिन जो डिफरेंस ये है कि दोनों की जो स्थान का मान है उन दोनों का, वो दोनों में अलग है। ठीक है, यस मैम। दोनों में ही हमने 10 की इसका इस्तेमाल किया है और एक इकाई वाले का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं यहाँ से भी जानना चाहूंगी सर, क्या लगता है आपको सेम क्या है अलग क्या है? दोनों में 10 है, 10 का समूह है, दोनों में, दोनों में एक का समूह है। दोनों में 10 के समूह है और एक का समूह है। जी सर, आप कुछ शेयर कर रहे थे? इसमें दो दहाई और तीन इकाई। दोनों में, अच्छा, दोनों में दहाई का इस्तेमाल हुआ है, दहाइयों का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो समूह बन रहा है वो दहाई का भी समूह बन रहा है दोनों में और इकाई का भी समूह बन रहा है। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा क्या? क्या एक जैसा है और क्या अलग है? दोनों में हमें दो दहाइयां तो दिख रही हैं एक जैसे में, दो दहाइयां और जो दो इकाइयां हैं वो दोनों में कॉमन है, सेम है ना? ठीक है, कुछ और अलग अलग के बारे में बात कर सकते हैं? थम्स अप वाला रूल फॉलो करते हैं ना हम लोग। एक बार सुन लेते हैं सर, सर कुछ बताना चाह रहे हैं चार्ज सर? हम मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करा हुआ हमने, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स, चीजों को गिनने वाला है बात कर रहे हैं हम, उनके मान की बात नहीं कर रहे हैं, उनके गिनती में वो कितना आता है, तो वो कितना है जो ऑब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने इस्तेमाल करी है वो दोनों में 5 हमने इस्तेमाल करी है, राइट? ठीक है, एक जगह एक ऑब्जेक्ट कम है और एक जगह ज्यादा है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हो सर किसके बारे में? स्टिक कम है उधर, स्टिक ज्यादा हो गई, इधर जो डॉट है वो ज्यादा है, उधर कम है। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर एक ज्यादा है और यहाँ पर एक कम है। ए में हमें इकाई ज्यादा लग रही है और बी में मुझे क्या लग रहा है? दहाई ज्यादा लग रही है। और कुछ दिख रहा है सेम और डिफरेंस मंजर आप बताना चाहेंगे? कुछ कुछ एक जैसा, कुछ अलग लग रहा है और किसी को कुछ और? एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर सम और विषम भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था? 23 और यहाँ क्या बन रहा था? 32। तो जो ए है मेरा वो क्या बोलता है कि विषम संख्या, विषम ऐसे लिखते ना, और बी क्या है?
हाँ अपोजिट कैसे है एक दूसरे का, 3-2 है, मतलब इंटरचेंज करके लिख दिया हमने है ना एक दोनों में। क्या और कोई बताना चाह रहा था कि क्या था, एक प्राइम है और एक भाज्य, भाज्य क्या हुआ, प्राइम कॉम्पोजिट, प्राइम कॉम्पोजिट, प्राइम कॉम्पोजिट, तो ए इज प्राइम। हाँ मैम सेम क्या है, दोनों के डिजिट्स जो, वाह जो दोनों डिजिट्स का मैंने इस्तेमाल किया ये दे बोथ आर प्राइम। हाँ दोनों को किसको प्लस करके 5 आ रहा है, डिजिट्स को, दोनों में मैं डिजिट्स क्योंकि सेम लिए इन दोनों डिजिट्स को मैं प्लस करूंगी तो दोनों को जोड़ करके आएगा 5 आएगा। आरोही अवरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बोला आपने, वो आरोही करें 2 और 3 ओ 2 और 3 और 3 और 2 तो हम बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में आरोही सभी गॉड गिफ्टेड है हम ठीक है। तो देखो जरा सी चर्चा से कितनी सारी चीजें निकल कर आ गई इस संख्या के बारे में राइट है ना।